बीकॉम सेकंड ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर में तीन प्रैक्टिकल हैं, सब बच्चे जानते हैं। इनकम टैक्स है, एफएम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉस्टिंग है। बच्चों जो एबीएसटी के पेपर हैं वो हैं इनकम टैक्स और कॉस्ट अकाउंटिंग। जी हाँ, और आपको ये पर्टिकुलर क्लास इनकम टैक्स के लिए है, तो देखो ऊपर हमने लिख भी चुके हैं इनकम टैक्स, तो ये पर्टिकुलर क्लास इनकम टैक्स के लिए। लेकिन एक बात खास तौर से याद रखनी है, वो ये है कि आप अगर ऑनलाइन क्लास में बैठे हैं तो कभी भी ये क्लास देखें और 24 आवर्स प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ये एक खास बात थी। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। चलो तो इस इनकम टैक्स की क्लास में हम बात करते हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं तो जैसे हमने बोला शीला है, तो ऑब्वियसली कोई मुन्नी भी होगी, कोई चमेली भी होगी, कोई अनारकली भी होगी। तो सवाल ये है, ये मुन्नी चमेली और अनारकली कौन है? मतलब शीला की बात बाद में करते हैं, मुन्नी चमेली और अनारकली को लेके आते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस इनकम टैक्स से पहले हम आपको कुछ और छोटी छोटी बातें बता दें। वैसे ये तो सब जानते हो कि इनकम पर टैक्स लगता है, लेकिन घर के और सदस्य भी हैं। जरा इधर देखो, एक्साइज ड्यूटी। सही है सर, ये एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? एक्साइज ड्यूटी होती क्या है बच्चों? किसी भी चीज को बनाने पर, जो टैक्स लगता है उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। कोई चीज फैक्ट्री में बनती है, जब वो फैक्ट्री से निकलती है तो जो टैक्स लगता है उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि एक्साइज ड्यूटी चीज पर लगता है। इसको शॉर्ट में बोलो तो यूं बोलो कि प्रोडक्शन पे टैक्स जो लगता है उसको एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। चलो एक और बात, कस्टम ड्यूटी। वाह, अब कस्टम ड्यूटी क्या है? कोई भी चीज फॉरेन से मंगाने पर, वो तो था बनाने पर, यह है फॉरेन से मंगाने पर, इंपोर्ट पर जो ड्यूटी लगती है उसे कहते हैं कस्टम ड्यूटी। दो बातें हो गई, यानी एक्साइज ड्यूटी लगती है चीज को बनाने पर और चीज को मंगाने पर। अगर फॉरेन से मंगाते हैं तो जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। और तीसरी चीज है सर्विस टैक्स। जब कोई हम सर्विस देते हैं यानी पढ़ाते हैं, या कोई और सर्विस देते हैं, एरोप्लेन में मोजी खिलाते हैं, तो ये सब सर्विसेज होती है। सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है वो उसे सर्विस टैक्स लगते हैं कहते हैं। तो एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी तो चीज पर लगती है, किसी गुड्स पर लगती है, जबकि सर्विस टैक्स सर्विस पर लगता है। तो इन चीजों का मिला जुला एक टैक्स आजकल आ चुका है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं जीएसटी। जी हाँ, ये जीएसटी है, जिसमें गुड्स भी कवर हो गई और सर्विसेज भी कवर हो गई, तो ये जीएसटी था। लेकिन हमको ये जीएसटी नहीं पढ़ना, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स। अब देखिए इनकम टैक्स अलग कैसे है, ये आप बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ी प्यारी बात है, अच्छी सी बात है। इनकम टैक्स इनकम पर लगता है, किसी चीज के बनाने पर या किसी सर्विस देने पर नहीं लगता, इनकम पर लगता है इनकम टैक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने है ना कैसे भी करके कोई चीज बेची या कोई सर्विस दी या कहीं नौकरी करी, या कैसे भी करके मैंने 1500 रुपये कमाए कमाए ना, तो इस कमाई पर, इस 1500 रुपये पर टैक्स की रेट है 10%। सही है, अब 1500 रुपये मैंने कमाए हैं, टैक्स की रेट 10% है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट मुझसे बोलेगी भैया ला 150 रुपये टैक्स दे दे। 1500 रुपये का 10%, 150 रुपये मुझे टैक्स देना पड़ेगा केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसे आप यूं समझ सकते हैं कि मनमोहन मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट थे। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम पर टैक्स लेती है, उसे इनकम टैक्स कहते हैं। आप जो भी इनकम कमा रहे हैं उस पे टैक्स लगेगा। जैसे मैंने 1500 रुपये कमाए, मान लीजिए टैक्स की रेट 10% है, मानने में क्या जाता है, तो 1500 रुपये का 10%, 150 रुपया मेरा टैक्स लग गया। अब गवर्नमेंट मुझसे बोलेगी ला 150 रुपये टैक्स के दे दे। तो बच्चों खास बात ये समझ में आई कि किसी वस्तु पर जो टैक्स लगता है और सर्विस पर जो टैक्स लगता है, गुड्स के बनाने पर भी टैक्स लगता है कि हाँ एक्साइज ड्यूटी, गुड्स को मंगाने पर कस्टम ड्यूटी, सर्विसेज पर सर्विस टैक्स, ये तो जीएसटी होते हैं।
लेकिन पैसे कमाने पर किसी इंसान पर जो टैक्स लगता है उसे इनकम टैक्स कहते हैं, और क्योंकि ये टैक्स इंसान पर लगता है तो ये डायरेक्ट टैक्स है, और ये टैक्स इंसान पर नहीं लगता तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो इंसान पर लगता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, और जो किसी इंसान की कमाई के अलावा कहीं और लगता है उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट मैटर है इनकम टैक्स। इनकम पर हम टैक्स कमाने वाले हैं, टैक्स देने वाले हैं। इनकम कमाएगा उस पर टैक्स देगा। मैंने पिछले साल, हाँ पिछले साल जब सवाल आया पिछले साल का, तो हमने आपसे कहा कि हमने पिछले साल 1500 रुपये कमाए थे, उस पर टैक्स देना पड़ेगा इस साल। सर ये क्या नई बात है, ये पिछले साल और इस साल वाली कौन सी बात है? तो आइए बच्चों एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं चुटकी बजाने से चीज़ें बदल जाती, बजा के देखते हैं। बदली तो चलो अब हम आपको पिछले साल और इस साल की कहानी समझाते हैं। बच्चों पिछले साल को बोलते हैं पी फॉर पिछला, पिछला साल, पिछला ईयर, प्रीवियस ईयर, राइट? ठीक है। और इस साल को बोलते हैं करंट ईयर, राइट सर? ठीक है। लास्ट ईयर, आप ये तो जानते ही हो, इनकम टैक्स में बात 1 जनवरी से नहीं होती, 1 अप्रैल से होती है। जी हाँ, 1 अप्रैल से होती है। पिछले साल मतलब 1 अप्रैल से चालू हुआ था और 31 मार्च को ख़त्म भी हो चुका है, राइट? हमने इस दौरान 1500 रुपये कमाए। इस 1500 रुपये पर गवर्नमेंट बोलेगी कि बेटा टैक्स दे दे। कब बोलेगी? इस साल नहीं बोलेगी, यहाँ तो हम कमा रहे थे ना। यानी इस साल जो हम कमाते हैं, वाह, इस पर टैक्स कब देते हैं? अगले साल। यानी इस साल जो हम टैक्स देंगे वो कब का टैक्स है? पिछले साल का। तो अगर मैं यहां खड़े होकर बोलूं कि प्रीवियस ईयर में मैंने कितने पैसे कमाए, 1500 रुपए, तो इस पर मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। मान लो 10% टैक्स की रेट है, मान लो, तो मुझे 150 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। यानी प्रीवियस ईयर की इनकम पर आप इस साल टैक्स देते हो। अच्छा, अगर डेट्स की बात करें, साल की बात करें, ठीक है, तो सर साल की बात कर लेते हैं। आज की डेट, ये हमारा साल चल रहा है 2020-21, ठीक है। तो जो करंट ईयर है वो तो हो गया 2020-21, राइट सर? अभी हम 2020-21 में बैठे हैं, जो 1 अप्रैल 2020 से चालू हुआ था और 31 मार्च 2021 तक खत्म होगा। अभी तो हम 2020-21 में बैठे हैं ना, तो अभी हम जो टैक्स देंगे वो पिछले साल की इनकम पर देंगे, और पिछला साल था हमारा 2019-20। जी हाँ, यानी सबसे पहली बात हमने बच्चों को बताई कि प्रीवियस ईयर कौन सा है, करंट ईयर कौन सा है। तो बच्चों ध्यान रखना, करंट ईयर हम 2020-21 में बैठे हैं, तो प्रीवियस ईयर हुआ 2019-20, और 2019-20 चालू हुआ था 1 अप्रैल 2019 से और एंड हो गया 31 मार्च 2020 तक। यानी 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक जो कि निकल चुका है, इसमें हमने जो भी कमाया है उस पर टैक्स हमको इस साल देना है। और इस साल जो भी हम टैक्स देते हैं इसे बोलते हैं करंट ईयर या असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मतलब इस साल असेसमेंट होगा। हो असेसी, असेसी कौन होता है सर? बच्चों करदाता, जो कर देता है वो असेसी होता है। वो असेसी तूने जो भी कमाया है प्रीवियस ईयर में उसको असेस इस साल करेंगे, उसका असेसमेंट इस साल होगा। तो इस साल का नाम है असेसमेंट ईयर, और वो प्रीवियस ईयर हो गया या असेसमेंट हो गया। यानी बच्चों इन शॉर्ट कहें कि असेसी की इनकम का असेसमेंट असेसमेंट ईयर में होता है, लेकिन ये इनकम कब की होती है? प्रीवियस ईयर की। तो बच्चों इन शॉर्ट आपको समझ चुके होंगे कि प्रीवियस ईयर में इंसान कमाता है और असेसमेंट ईयर में उस पर टैक्स देता है। कैलकुलेशन भी यही होती है और टैक्स देता भी इस साल है, ठीक है। तो आपने ये समझा है कि सर कमाते एक साल है उसका टैक्स अगले साल, फिर उस साल कमाएंगे उसका टैक्स और अगले साल, फिर उसका टैक्स अगले साल। यानी जो प्रीवियस ईयर होता है उसका अगले वाला असेसमेंट ईयर होता है। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ। प्रीवियस ईयर है 2026-27 आया नहीं है, मान लो प्रीवियस ईयर है 2026-27, तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? सर 2026-27 अगर प्रीवियस ईयर है ना, तो फिर असेसमेंट ईयर है ना होगा उसका अगले साल 2027-28, बिल्कुल सही। 2027-28 मतलब 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2028, और प्रीवियस ईयर इसका पिछले साल हो गया, बिल्कुल सही।
बच्चों आपने ये तो सीख लिया कि प्रीवियस का अगला असेसमेंट ईयर होता है और प्रीवियस ईयर में इंसान कमाता है, ये कमाने का साल है और ये चुकाने का साल है। लेकिन बच्चों समझना ये नहीं था, समझना ये था कि आप का एग्जाम कब है। सर एग्जाम हमारा मार्च अप्रैल में होता है, तो बच्चों मार्च अप्रैल में तो वो आपसे कहेगा आप मार्च में असेसमेंट कर रहे हो, इस साल टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हो, तो इनकम पिछले साल की लेंगे। तो अभी हम 2020-21 में बैठे हैं, यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जो भी इनकम आएगी 19-20 की आएगी, यानी पूरी बुक में जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें इनकम 19-20 की आएगी। ध्यान रखिएगा हमारा प्रीवियस ईयर 19-20 चलेगा, ध्यान रखिएगा इसका दूसरा नाम होता है फाइनेंशियल ईयर, यानी हमारा फाइनेंशियल ईयर 19-20 चलेगा। यानी जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें जो डिटेल होगी वो 19-20 की होगी, लेकिन जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो 20-21 के लिए करेंगे, क्योंकि 19-20 में तो कमाने में व्यस्त थे, कैलकुलेशन तो 20-21 में करेंगे 19-20 की। इतनी बात हमने करी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। इन शॉर्ट कहूँ तो ऐसे कह सकता हूँ, प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन असेसमेंट ईयर में होती है, या यूं कहो एक्टिव पैसिव बना दो, असेसमेंट ईयर में टैक्स कैलकुलेशन प्रीवियस ईयर की इनकम की होती है बस। और जिस इंसान का टैक्स कैलकुलेट करते हैं उस इंसान को असेसी बोलते हैं, डन है। तो अभी अभी हमने बात करी बड़ी प्यारी, प्रीवियस ईयर में कमाते हैं असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं, ये बात करी ना, ना ना हमने बात ये करी, हमारे को क्वेश्चन करने हैं। और क्वेश्चन के लिए बात ध्यान रखना, अभी अभी 31 मार्च 2020 गई है, तो ये ध्यान रखना हमारा प्रीवियस ईयर 19-20 था, यानी क्वेश्चन में जो भी कमाने की बातें आएंगी वो 19-20 की आएंगी। लर्न वन थिंग, व्हाट इज दैट, कि प्रीवियस ईयर 19-20 था, ठीक है। अब आपको मैंने कहा था कि हमने 1500 रुपये कमाए हैं, यही कहा था सर, हाँ आपने 1500 रुपये कमाए हैं, ठीक है, बहुत मेहनत से कमाए थे, उस पर टैक्स लग गया था, ऐसी तो बात थी, बहुत मेहनत से कमाए थे 1500 रुपये, उस पर टैक्स लग गया 10%। बच्चों पिछले साल कमाए थे, प्रीवियस ईयर में कमाए थे 1500 रुपये, उस पर टैक्स लग गया 10%, 150 रुपये, ये हमारी नेट बात हुई, ठीक है। बहुत मेहनत से की थी वो कमाई, जो लफ्जों में तुझे बताई, कहां से की थी वो कमाई बताएं आपको, हमने वो 1500 रुपये कहां से कमाए थे, तो चलो बता देता हूं बच्चों, हमने वो 1500 रुपये कई जगह से कमाए थे, बताऊं कहां कहां से, हां सर बताओ बच्चों, एक ऑफिस में हम नौकरी करते थे बच्चों, हां सर वहां से हमको सैलरी मिली थी बच्चों 100 रुपये, तो आई ना देखो सैलरी आई 100 रुपये, 1500 रुपये हमने कमाए हैं, दिख रहे हैं 100 रुपये, तो कहीं से हम नौकरी करते थे, सुबह जाते थे 10 बजे, शाम को आते थे 6 बजे, काम करते थे, संडे को नहीं जाते थे, नौकरी से कमाए, सैलरी से कमाए 100 रुपये। और कहां से कमाए आपने, आपने तो 1500 कमाए, बता रहा हूं ना बच्चों, हमारे एक मकान है बच्चों ब्लैक हाउस, दिख रहे है ये ब्लैक हाउस, हमने कहा कि हो रेंट पे दे दियो, रेंट पे दे दियो, तो इससे भी कमाए 200 रुपये, सर रेंट से कमाए, हमार हाउस है, हाउस है, हाउस से कमाए, हमार है, हमार प्रॉपर्टी है, अच्छा हाउस प्रॉपर्टी से कमाए, जी हाँ, तो सैलरी से कमाए 100 रुपये, हाउस प्रॉपर्टी से कमाए 200 रुपये, ठीक है। यानी इनकम दो जगह से हुई, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा, हमारा खुद का एक बिजनेस भी चलता है बच्चों, बड़ी सारी फैक्ट्री चलती है, बहुत बड़े आदमी हैं हम, और उस बिजनेस से हमने प्रॉफिट कमाया है, धंधा करके माल बेच के, ठीक है, वहाँ से भी हमने कमाया है, अपने खुद के बिजनेस से भी कमाया, नौकरी भी करते हैं बिजनेस भी करते हैं, अपने खुद के बिजनेस से कमाए 300 रुपये, इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और बच्चों और कहाँ से कमाए, हमारा एक घर था बच्चों, वो हमने बेच दिया, राइट, बेच दिया, मान लो वो ब्लैक हाउस जो था उसको बेच दिया, उसको कमाए, उससे कमाए 400 रुपये,
ठीक है। और बच्चों कोई थी जिसने हमको गिफ्ट दे दिए 500 रुपये, ये भी हमारे लिए कमाई है? नहीं सर, ये कमाई नहीं है। अरे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, वो बोलता है आई है तो कमाई है। ठीक है साहब, ये भी कमाए हैं। तो टोटल हमने 5 जगह से पैसे कमाए हैं और टोटल मिलाकर 1500 रुपये हम कमा चुके हैं। कहाँ कहाँ से कमाए? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, मकान बेचा, कैपिटल गेन हुआ। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन मतलब किसी कीमत का मकान महंगे दाम में बेच दिया तो कैपिटल गेन हुआ, यहाँ से भी कमाई हो गई। सर मकान तो वहाँ पे भी था ना बच्चों, वहाँ रेंट से कमाया था, यहाँ इस मकान को बेचा है। जब रेंट से कमाते हैं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जब मकान को बेच देते हैं तो वो रेंट से नहीं कमाया, कैपिटल गेन हुआ है। और दूसरा कोई गिफ्ट दे गया तो अदर सोर्सेज। इसका मतलब इनकम कमाने के 5 तरीके होते हैं। जी हाँ, इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता है। सर बैंक से ब्याज मिल गया मान लो, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर कोई डिविडेंड मिल गया, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर हमने डिबेंचर खरीद के फिर बेच दिए महंगे दाम में, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी बाकी की तमाम कमाइयाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। मनुष्य इन 5ों जगह के अलावा कहीं से नहीं कमा सकता, ये हम आपको गारंटी देते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आप जो भी कमाओगे वो इन 5 जगह से माना जाएगा। चलो सर, सैलरी समझ में आता है, हाउस प्रॉपर्टी भी समझ में आता है। आप कह रहे हो घर को रेंट पे दे दो, ठीक है, हाँ ब्लैक हाउस, ठीक है, राइट। ये बिजनेस एंड प्रोफेशन भी समझ में आता है, ठीक है, अपना धंधा है। कैपिटल गेन भी समझ में आता है कि सर घर को बेच दिया या कोई और असेट बेच दी, असेट बेच दी बोला ना मैंने। सर ये अदर सोर्सेज थोड़ा कम समझ में आता है। बच्चों दुनिया के तमाम इनकम जो इन 4ों हेड में नहीं आती वो अदर सोर्सेज में आती है। सर जैसे जैसे बच्चों अपन ने जुआ खेला, जुआ सट्टा, राइट, और जुआ खेल के जुए में पैसे कमा लिए तो वो अदर सोर्सेज की इनकम। जैसे हमने जुआ छोड़ो ना, तुम हमने कहीं डकैती डाली और डकैती डाल के पैसे कमा लिए, वो भी इनकम हुई फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर उस पर भी टैक्स लगेगा? जी हाँ बच्चों, उस पर भी टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इससे मतलब नहीं है कि वो इनकम लीगल है या इलीगल है, सारी इनकम पर टैक्स लगेगा। और दुनिया की हर इनकम इन 5 जगह में से 1 जगह आएगी, या तो सैलरी की कहलाएगी, हाउस प्रॉपर्टी की कहलाएगी, बिजनेस की कहलाएगी, कैपिटल गेन असेट को बेचने पर होगा, या कोई अदर इनकम होगी। तो बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकम कमाने के 5 हेड होते हैं, इनकम कमाने के 5 हेड होते हैं। द फर्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम सैलरी, हमने सैलरी से कमाया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान रेंट दे के कमाया। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, धंधा करके कमाया, राइट। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कोई असेट वसेट बेची, गोल्ड बेचा, ठीक है, राइट, असेट फर्नीचर बेचा या कोई सिंपली समझ लो प्रॉपर्टी बेची। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिविडेंड, इंटरेस्ट, राइट, अदर इनकम, लॉटरी, ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी इसका मतलब इनकम कमाने के 5 हेड होते हैं। हाँ हाँ इनकम कमाने के 5 हेड होते हैं तो इनको गायब कर देते हैं। चलो आज के बाद इनकम कमाने के 5 हेड हुए, याद करने पड़ेंगे नाम, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम, बोलो दोबारा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम कमाने के 5 हेड होते हैं। मनुष्य 5 जगह से इनकम कमा सकता है। जी हाँ सर, मनुष्य 5 जगह से इनकम कमा सकता है। तो सर आप एक एक जगह से इनकम कमाओगे? जी हाँ बच्चों, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इन 5 हेड में से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हमारे चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस, हाउस नहीं बोला मैंने, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी नहीं बोला, हमारे चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो यहां पर 2 वर्ड हैं, एक वर्ड है हाउस और एक वर्ड है प्रॉपर्टी। सर मतलब बच्चों हाउस होना चाहिए, हाउस होना चाहिए, जमीन नहीं होनी चाहिए, खाली जमीन खाली लैंड नहीं होनी चाहिए, हाउस होना चाहिए तभी वो इनकम यहां आएगी। सर एक बात बताओ, आपने ना घर को किराए पे दिया, घर हाउस, हाउस किराए पे दिया ना, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। नहीं सर, मान लो आपने अपनी जमीन ही किराए पे दे दी, मतलब सर कोई खाली जमीन पड़ी थी आपने पास, है ना, राइट, तो आपने क्या, एक चाय वाला था उसने बोला कि भैया आपकी खाली जमीन में मैं चाय की थड़ी लगा लेता हूँ, दे दो किराए पे, तो हमने खाली जमीन किराए पे दिए, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। तो कहाँ आएगी बच्चों? जिसका कोई नहीं उसका अदर सोर्सेस,
जी हाँ, इनकम कमाने के 5 हेड होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। उसमें हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और हाउस प्रॉपर्टी के लिए जरूरी होना चाहिए हाउस बना होना चाहिए, कमरा, कमरे, बाथरूम वगैरह बना होना चाहिए, ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, मकान बना होना चाहिए, खाली जमीन नहीं होनी चाहिए, खाली जमीन नहीं होनी चाहिए, हाउस होना चाहिए और प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। सर प्रॉपर्टी मतलब खुद का होना चाहिए। सर मतलब तू किसी और का घर लेके किसी और को किराए पे दे देगा तो उसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानेंगे, क्योंकि वहां हाउस तो है पर प्रॉपर्टी नहीं है वो तेरी। अरे वो तो किसी और की प्रॉपर्टी है। सर एक बात इसको थोड़ा अच्छे से समझाओ। ओके बच्चों, राइट, मैंने एक घर यहां से किसी का लिया, ठीक है, किराए पे, और सामने वाले को किराया दे रहा हूं मैं साल का 1,00,000 रुपए, और इधर मैंने किसी और को किराए पे चुका दिया, वही घर किसी और को किराए पे दे दिया और उससे किराया ले लिया 1,08,000 रुपए। तो बच्चों मेरे पास 8,000 रुपए की इनकम हुई ना, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, क्योंकि हाउस तो है बट ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसी और की प्रॉपर्टी है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दो शब्द आए, हाउस भी होना चाहिए और प्रॉपर्टी भी खुद की होनी चाहिए। जी हाँ, हाउस भी होना चाहिए, प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और गलतियां होती भी नहीं है, क्योंकि गलतियां करने से अब मैं बहुत घबराने लगा हूं। जब से इस घर की जिम्मेदारी उठाने लगा हूं तो अब से गलतियां बिल्कुल बंद। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं। दो मूल बातें मैंने बताई, दो पॉइंट की बातें बताई कि एक तो हाउस होना चाहिए और एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अच्छी खुद की होनी चाहिए, राइट, और उसको रेंट पे देंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो बच्चों हमारा चैप्टर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, घर हो खुद का हो। दिखाऊं, जूम, ये लीजिए मैं घर में हूं, ये मेरा खुद का घर है। अरे खुद रह रहा हूं ना, जब खुद रह रहा हूं तो ये मेरा ही तो घर है। ओके सर, ये आपका घर है, ठीक है। ये ऑफिसर आया, मैंने कहा पूछा कहां से आया, बोला आईटी, आईटी मतलब इनकम टैक्स, बोला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आया, टैक्स दे दे, टैक्स दे दे। मैंने कहा यार कैसी बातें कर रहा है, इनकम पर लगता है टैक्स? बोले तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ना, हाउस है, हाँ देखो मैं खड़ा हूं हाउस में ही खड़ा हूं, राइट, हाउस भी है और प्रॉपर्टी भी मेरी है। बोला हाँ इस पर टैक्स दे दे। मैंने कहा भाई देख, हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स होता है लेकिन उसकी इनकम पर टैक्स होता है। इनकम फ्रॉम वर्ड भी लिखा है, इनकम भी होनी चाहिए इस हाउस प्रॉपर्टी पे। हाउस है, प्रॉपर्टी भी मेरी है, बट इससे इनकम कहाँ कमा रहा हूं, ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मैं खुद रहता हूं भाई इसमें, मैं खुद रहता हूं, इस पर कैसे टैक्स दे दूं, मैं इससे कुछ कमा थोड़ी ना रहा हूं जो मैं इस पर टैक्स दे दूं। कितना सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा व्हाइट कलर का घर है और तू कह रहा है तू इस पर कमा रहा है। अरे मैं इस पर कहाँ कमा रहा हूं, मैं इस पर कुछ नहीं कमा रहा, खुद रहता हूं। तो वो बोला कि तेरा उस गली में भी एक घर है। मैंने कहा हाँ। बोले दिखा। मैंने कहा देख बच्चों वो भी मेरा ही घर है लेकिन उसमें मैं नहीं रहता, मैं तो यहां खड़ा हूं ना, दिख रहा हूं। सर उसमें कौन है? वो बच्चों उसमें किराएदार है। तो अब जैसे इसने सुना कि उसमें किराएदार है तो बोलता है ला उस घर पे टैक्स दे दे, जिस घर में किराएदार रहता है उस पर तू टैक्स दे दे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात कह रहा है। बोला किराया लेता है? मैंने कहा लेता हूं। बोला किराया लेता है तो देख हाउस भी है, हाउस है, प्रॉपर्टी भी तेरी है, ओनरशिप भी है, हाँ वो भी है, और उससे इनकम भी हो रही है, इस पर तो टैक्स लगेगा। बिल्कुल सही बात बच्चों, इस पर तो टैक्स लगेगा। तो ये मुझसे कह रहा है उस घर पर टैक्स दे दे। तो बच्चों अपने को क्या करना है, हम दो घर हैं मेरे पास, समझना जरा, केस कॉम्प्लिकेटेड करने वाले हैं। मेरे पास दो घर हैं, एक है व्हाइट हाउस जिसमें मैं हूँ और एक है ब्लैक हाउस जो वो है, राइट। तो दोनों में से मैं किस घर से कमा रहा हूं? आप कहोगे सर आप ब्लैक हाउस से कमा रहे हो तो आप ब्लैक हाउस की इनकम पर टैक्स दो, बिल्कुल सही, राइट। अगर मैं ऐसे कह दूं कि मैं व्हाइट हाउस से निकल जाता हूं, ठीक है ये लो निकल ले, व्हाइट हाउस से निकल गया, अब मैंने व्हाइट हाउस भी रेंट पे दे दिया, समझ रहे हो, तो इस पर भी आपको टैक्स देना है। यानी जितने भी मकान आप रेंट पे दोगे उन पर टैक्स देना। एक और घर है मेरा, तीन घर है मान लो, तीनों रेंट पे दे रखे तो तीनों पे टैक्स देने। सर तीन तीन घर हैं, तीनों रेंट पे दे रखे हैं, तीनों पे टैक्स दोगे? एक काम करो ना, क्या
सर आप ना एक घर में रहो, ये लो रह लेता हूँ एक घर में, ठीक है राइट। सर आप ना उस ना उसको बोल दो, क्या बोलूँ सर उसको बोल दो, मैं तीनों में मैं ही रहता हूँ, बोल दूँ? बोलता हूँ, ओ भाई सुन, तीनों घर में मैं ही रहता हूँ, तीनों घर में मैं ही रहता हूँ, कभी इसमें रहता हूँ, कभी उसमें रहता हूँ, कभी उसमें रहता हूँ, मैं किसी घर को किराए पे नहीं देता, तुम उससे कोई टैक्स मत ले। बच्चों वो कहता है कि जब तू तीन घर में रहता है तो बिल्कुल सही है, तू कुछ नहीं कमाता तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तू तो एक ही घर में रह सकता है, ऐसे बोला। मैंने कहा भैया सुन, असेसमेंट ईयर 2020-21 चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर 19-20 था, बताया था, असेसमेंट ईयर 20-21 से इनकम टैक्स में ये रूल आ गया है कि एक इंसान दो घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड बता सकता है। बच्चों जरा सुनना ध्यान से, अगर मेरे 12 घर हैं, 12 में से मैं कोई से भी दो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड बता सकता हूं, मैं दो घर में खुद रह सकता हूं, मैं उसको ऐसे बोल सकता हूं, तो उन दो घरों की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तीसरे घर सर, तीसरा या वो घर, उनको मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं बता सकता, उन पे मुझे किराएदार रखना पड़ेगा। सर अगर किराएदार नहीं रहता है और खाली पड़े हैं तो भी बच्चों उन पे टैक्स लगेगा। 2020-21 असेसमेंट ईयर से ये रूल आ गया है कि आप दो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड बता सकते हो। तो बच्चों अब मैं उसको क्या बोलूँगा कि भाई दो घर मेरे सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेते हैं, कोई से भी दो मान सकते हैं, मेरी इच्छा है दो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं, और बाकी के जितने भी आपके घर हैं उनको आपको रेंटल बताना पड़ेगा। सारे घरों की फफूंद हटाते हैं, हटा दी फफूंद। अब सुनो जरा गौर से बात को, बात यह थी कि अगर आप के पास दो, एक या इससे ज्यादा घर हैं, ठीक है, जितने भी घर हैं, मान लीजिए आपके पास 10 घर हैं, आप कह रहे हो 10 के 10 मैंने रेंट पे दिए तो 10 पे टैक्स लग जाएगा, आप कह रहे हो 10 में से 9 रेंट पे दिए तो 9 पे टैक्स लगेगा, राइट है ना, आप कह रहे हो मैंने 8 रेंट पे दिए, दो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दो में खुद रहता हूँ तो 8 पे टैक्स लगेगा, लेकिन आप कह रहे हो कि मैंने 7 रेंट पे दिए और 3 में खुद रहता हूँ, ऐसा नहीं होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आप मैक्सिमम दो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड बता सकते, और अगर वो भी आप नहीं बताते, आपके तो सारे रेंटल है तो रेंटल है, मैक्सिमम दो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड बता सकते हो, उन पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उनकी वैल्यू निल आ जाएगी, लेकिन बता सकते हो या आपकी इच्छा है, राइट। तो अगर कोई क्वेश्चन आए, अब सुनो क्वेश्चन के एटीट्यूड से, तो अगर कोई क्वेश्चन आए और वो क्वेश्चन ऐसे कहे कि मिस्टर राजा दिल्ली वाले घर में भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मुंबई वाले घर में भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो जी हाँ दो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं। ये माना जा सकता है कि एक इंसान सर्दियों में अलग घर में रहता है, गर्मियों में अलग घर में रहता है, दो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं, चाहे से उसने रेंट पे दे ही रखे हो, वो ऐसे बोल सकता है, उसको अधिकार है कि वो दो घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल सकता है, ठीक है। ये इनकम टैक्स में रूल आया है, समझ गए। तो आज से पहले क्या होता था कि आपके अगर तीन घर हैं, जैसे सपोज करो आपके तीन घर हैं, हाउस वन, हाउस टू, हाउस थ्री, ठीक है राइट, ठीक है सही है, और इस घर की वैल्यू 800 रुपये निकल के आई, टैक्सेबल वैल्यू जिस पर टैक्स लगता है या कमाई, इस घर की वैल्यू 2000 रुपये निकल कर आई, ठीक है, और इस घर की वैल्यू 500 रुपये निकल के आई। तो आज से पहले क्या होता था, हम जो जिस घर की वैल्यू ज़्यादा है इस पर टैक्स भी ज़्यादा लगेगा, तो इसको कह देते थे सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी इसमें हम खुद रहते हैं, ठीक है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं मानेंगे, निल। लेकिन अब क्या होगा, दो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड बता सकते हो, तो हमने ये वाला भी क्या कहा, सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो इसकी वैल्यू भी निल। लेकिन ध्यान रखना, अगर हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड बोला तो ही वैल्यू निल आएगी, लेकिन अगर क्वेश्चन ने सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल दिया तब तो वैल्यू निल आएगी, और वो भी मैक्सिमम दो की। लेकिन अगर क्वेश्चन ने खुद ही बोल रहा है, रेंट पे दिया है, भैया ईमानदारी से बता रहे हैं, तो फिर बच्चों रेंट पर दिया है तो इनकम आएगी, इनकम आएगी तो टैक्स भी लगेगा, समझ गए। कुल मिलाकर नटशेल में रूल ये है कि एन एसएससी क्लेम मैक्सिमम, एसएससी मतलब करदाता, एन एसएससी क्लेम मैक्सिमम टू हाउसेस एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक इंसान अधिक से अधिक दो घर को स्वयं के लिए उपयोग में लिया हुआ मान सकता है। ये हमारी अगली बात हुई, और जो घर स्वयं के लिए उपयोग में लेते हैं, वाह वाह, उस पर टैक्स नहीं लगता। ये हमारी एक बात हुई, जी हाँ
एक बात और हुई, तो इसे गायब कर देते हैं। तो हमने बोला दो घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं। अब मान लो अपनी एक बिल्डिंग है, जरा ध्यान से समझना, ठीक है? बिल्डिंग देखो, इस बिल्डिंग में 8 यूनिट्स हैं, दिख रही है? 8 यूनिट्स हैं, मतलब 8 फ्लैट हैं, 8 यूनिट्स है ना। घर तो पूरा एक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में पूरी बिल्डिंग एक है, जमीन एक है, उसकी रजिस्ट्री एक है, लेकिन इस घर में अंदर हमने कितनी यूनिट बना रखी है? 8। बच्चों सेल्फ ऑक्यूपाइड कितनी हो सकती है मैक्सिमम? 2। जी हाँ, तो एक ही घर में अगर 8 सेपरेट यूनिट है तो इनमें से कोई सी भी 2 यूनिट हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं, 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मान सकते। इस केस में बाकी 6 यूनिट की कैलकुलेशन अलग होगी और 2 यूनिट की कैलकुलेशन अलग होगी। यानी हमने बोला कि हम 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं, या एक ही घर में कई यूनिट्स हैं तो 2 यूनिट्स को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं। और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की वैल्यू निल होती है, क्योंकि हम उससे कुछ कमाते नहीं हैं, तो कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। जी हाँ, ये हमने अगली बात सीखी, आ गई समझ में? चलो फिर आगे चलो। तो जिस घर में हम रहते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता है, और मैक्सिमम 2 घर ऐसे बता सकते हो, लेकिन जिस घर को आप नहीं रहते हो उस पर टैक्स लगेगा, चाहे से वो आपने किराए पर दिया है या खाली पड़ा है तो भी टैक्स लगेगा। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अब आप कहोगे कि सर खाली घर पे क्यों टैक्स लगेगा? बच्चों आपने तो घर खाली छोड़ रखा है, उस पर भी टैक्स लगेगा, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, घर खरीद खरीद के खाली छोड़ रहे हो, ठीक है? और कई लोगों को तो घर ही नहीं मिल रहे, तो क्या करेंगे, तुम बहुत अमीर हो तो तुमसे थोड़ा टैक्स लेके उन गरीब लोगों पर खर्च कर देंगे, और इससे सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो जाएगी, और सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होने से प्यार फैलता है बच्चों, कोरोना नहीं फैलता। तो इसलिए क्या करेंगे कि जो इंसान घर खरीद खरीद के छोड़े जा रहा है उसको भी कहेंगे भाई 2 घर है ना, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड मान ले, उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, बाकी घर तू किराए पे दे तो भी टैक्स लगेगा, और खाली छूटे हैं तो भी टैक्स लगेगा। तो सर अब आप घर पे टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करोगे, खाली वाला घर हो या किराए पे दे रखा हो? तो बच्चों पहले एक घर लाना पड़ेगा, ठीक है? घर लेके आते हैं, ठीक है? ये लो, ये हमारा ब्लैक ब्यूटी है, घर है, ये हमारा घर है। इस पर हमको टैक्स की कैलकुलेशन करनी है कि भाई घर पे टैक्स कैसे लगेगा। तो पहले इस घर से होने वाली साल भर की इनकम निकालेंगे, सही है? हाँ सर, ये घर है ना महीने का 7,000 रुपये रेंट देता है मान लो, ठीक है? अब महीने का 7,000 रुपये तो सर 12 महीने में 84,000 रुपये रेंट दे देगा, तो सर इससे कमाई होगी 84,000। अब इस पर टैक्स की रेट है मान लो 10%, तो 8,400 रुपये टैक्स लग जाएगा। इतनी सी बात ना? नहीं बच्चों, इतनी सी बात नहीं है, बात थोड़ी ज़्यादा है। कभी भी घर की इनकम पर टैक्स लगाने के लिए पहले घर से होने वाली इनकम निकालो। चलो ये घर हमने रेंट पे दे रखा है, रेंट पे नहीं दे रखा हो तो घर की इनकम कैसे निकालते हैं? इसके लिए हमने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल यानी नगर निगम, राइट? जैसे जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जयपुर नगर निगम, राइट? ठीक है, उनसे पूछा, जैनानी जयपुर नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से पूछा कि भैया तुम बहुत हाउस टैक्स वगैरह लेते रहते हो, है ना, सीवर लाइन साफ सफाई इसके लिए बहुत हाउस टैक्स लेते हो, तो तुम्हें घर की वैल्यू भी बताए क्या? तो मैंने क्या, मेरे ऐसे पूछा कि मेरे घर की वैल्यू बता दो, मेरा घर है ब्लैक ब्यूटी। उसने पूछा घर का नंबर बता दे। मैंने कहा घर का नंबर है 11/50, 11/50 मेरा घर है ब्लैक ब्यूटी के नाम से, उसकी वैल्यू बता दो। तो उन्होंने कहा कि तेरे घर की वैल्यू है 80,000। मैंने कहा 80,000? बोले हाँ। ठीक है बच्चों, मैंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से पूछा, अब मैंने क्या, मेरा घर का था 11/50, बगल में घर है 11/49, देखो एक और सेम ब्लैक ब्यूटी, वो भी
वो मेरा नहीं है बच्चा, वो पड़ोसी का है, वो वाला वो मेरा नहीं है, मेरा तो 11/50 है, देखो मेरे पास है ना। हाँ राइट, ठीक है, जिसमें मैं रहता हूँ वो तो अलग घर है, ये मैं किराए पे दे रहा हूँ। अब इस घर की वैल्यू निकालनी है तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से पूछा, भैया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों म्यूनसिपल वैल्यू बता दो। तो उन्होंने कहा तेरे घर की साल भर की वैल्यू है 80,000, यानी इस घर को तू अगर किराए पे दे तो तू 80,000 कमा सकता है और इस पर टैक्स लग जाएगा कुछ भी। मैंने कहा अच्छा तुम कह रहे हो 80,000। मैंने पड़ोसी से पूछा 11/49 वालों से, मैंने कहा जी एक बात बताओ, जैसा मेरा घर वैसा तेरा घर, तेरे घर से तू कितना रेंट कमा सकता है? तो बच्चों वो पड़ोसी बोला 70,000। ठीक है, मैंने भगवान से कहा, भगवान म्यूनसिपल डिपार्टमेंट वाले वैल्यू बता रहे हैं 80,000, पड़ोसी के घर के वैल्यू है 70,000, यानी म्यूनसिपल वैल्यू तो 80,000 है जबकि फेयर रेंट 70 ही बनता है, पड़ोसी के घर की वैल्यू को फेयर रेंट कहते हैं। तो बच्चों मैंने कहा भगवान दो दो वैल्यू आ गई, घर की सही वैल्यू कौन सी बोल लूं? तो इधर से आवाज एक और आई, इधर से एक और आवाज आई। मैंने कहा तू कौन? बोला मैं रेंट कंट्रोल एक्ट हूं। मैंने कहा तू क्या करेगा? बोले कहा मैं भी तेरे घर की वैल्यू बताऊंगा। मैंने कहा ले तू भी बता दे तीसरी वैल्यू। तो इधर से रेंट कंट्रोल एक्ट ने भी मेरे घर की वैल्यू बताई और रेंट कंट्रोल एक्ट बोला तेरे घर की वैल्यू 74,000 है, 74,000। अरे मैं पागल हो गया, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले बोलते हैं तेरा घर 80 का, पड़ोसी बोलता है तेरी फेयर वैल्यू 70 की। अरे रेंट कंट्रोल एक्ट वाले वैल्यू बोल रहे हैं, इनसे पूछी। ठीक है, मैंने कहा तुम बोल दो कि मेरे घर की वैल्यू कितनी है। बोले तेरे घर का स्टैंडर्ड रेंट बनता है 74,000। अरे काई का 74,000, एक्चुअल में तो मैं इस घर को महीने के 7,000 पे किराए पे देके बैठा हूं और 7,000 किराए से 12 महीने का 84,000 एक्चुअल रेंट, रेंट एक्चुअल कमाता हूं। तो बच्चों घर की यहां पे चार चार वैल्यू हो गई। अब सवाल यह है घर की वैल्यू कौन सी ले। म्यूनसिपल डिपार्टमेंट कहता है घर की वैल्यू 80,000 है, भाई पहले वैल्यू निकालोगे तभी तो टैक्स निकालोगे। म्यूनसिपल डिपार्टमेंट कहता है घर की वैल्यू 80,000 है, पड़ोसी कहता है फेयर वैल्यू, जो पड़ोसी के मकान की हूबहू मकान की जो वैल्यू होती है राइट, पड़ोसी कहता है फेयर वैल्यू 70,000 है, रेंट कंट्रोल एक्ट कहता है स्टैंडर्ड रेंट 74,000 है, 74,000 जबकि एक्चुअल रेंट है महीने का 7,000, तो 12 महीने का 12 × 7,000 84,000। तो बच्चों यहां पर घर की चार चार वैल्यू आ गई। तो हमार गुच्छे हो गए कि घर की कौन सी वैल्यू ले, म्यूनसिपल वैल्यू ले या फेयर वैल्यू ले या स्टैंडर्ड रेंट ले या रेंट एक्चुअल ले। घर की चार चार वैल्यू आ गई, कौन सी वैल्यू हम घर की लें? जरा आप इन चारों वैल्यू को याद करो। पहली वैल्यू है म्यूनसिपल वैल्यू, ठीक है सर, म्यूनसिपल वैल्यू के बाद फेयर रेंट पड़ोसी के घर की वैल्यू, ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट जो रेंट कंट्रोल एक्ट हमारे घर की वैल्यू बता रहा है, और चौथी वैल्यू एक्चुअल रेंट जो हम वास्तव में जितने रुपए रेंट पर देके बैठे हैं, हम 7,000 रुपये रेंट पर देके बैठे हैं, ठीक है, और 7,000 रुपये महीने से 12 महीने का 84,000। तो हमारे घर की वैल्यू क्या मानेंगे? तो आप पता है क्या बोलने वाले हो, आप कहोगे सर एबस एद मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन है तो सर आपके घर की वैल्यू ये वाली ले लो 84,000 ले लो, क्योंकि सर एक्चुअल में तो आप इतने में ही रेंट पे ले रहे हो ना। नहीं बच्चों, हमारे कहने से क्या होता है, हमारे घर की वैल्यू क्या लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर चार वैल्यू आ गई, म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, घर की चार चार वैल्यू है, कौन सी वैल्यू लू? और उसे ही कहूंगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट, उस तभी तो जाके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकलेगी। पहले घर की वैल्यू तो निकाले, कौन सी वैल्यू लूं, घर की कौन सी वैल्यू लूं। तो बच्चों सबसे पहले हमको घर की वैल्यू जस्टिफाइड करनी है कि इन चारों में से कौन सी वैल्यू हमें घर की माननी चाहिए। तो अगर आप कहोगे कि सर म्यूनसिपल वैल्यू मान लो घर की वैल्यू 80,000, गलत जवाब। अगर आप कहोगे फेयर वैल्यू को घर की वैल्यू मान लो जो पड़ोसी के घर की है, गलत जवाब। अगर आप कहोगे रेंट कंट्रोल एक्ट ने जो स्टैंडर्ड रेंट बताया है उसको घर की वैल्यू मान लो, तो वो भी गलत जवाब। और सर फिर है ना एक्चुअल रेंट को घर की वैल्यू मान लो, तो ये भी गलत जवाब। घर की वैल्यू एक साल की क्या लूं, ये बताने के लिए
मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, लेकिन आप पहले याद रखिएगा कि चार वैल्यू हमारे सामने है, म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट। घर की कितनी वैल्यू है? चार। चारों में से कौन सी वैल्यू लेनी है ये हम आपको बताने वाले हैं। चार चार वैल्यू है, कौन सी वैल्यू ले। तो देखो इन सब कहानी को एक बार गायब करते हैं और इसे एक क्वेश्चन के रूप में आपके सामने लेकर आते हैं, ठीक है? क्वेश्चन बना देते हैं। देखो तो लिखा है म्युनिसिपल वैल्यू 80,000, हाँ सर लिखा है। फेयर रेंट लिखा है 70,000, हाँ सर लिखा है। स्टैंडर्ड रेंट 74,000, ठीक है, और एक्चुअल रेंट 84,000। तो सर घर की सही वैल्यू कौन सी ले। ठीक है बच्चों, तो आज हम घर की वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। सीखे? हाँ सर, घर की वैल्यू निकालना सीखो और ऐसे करके घर की जो वैल्यू आएगी उसको कहेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या कहेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यानी आज हम बच्चों को कंप्यूटेशन सिखा रहे हैं, किसकी? GAV की। तो चलिए GAV की कंप्यूटेशन सिखा देते हैं आपको, कैसे करते हैं कैलकुलेट घर की वैल्यू, जिसको कहते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू की फुल फॉर्म है GAV, शॉर्ट फॉर्म है, सॉरी, राइट, शॉर्ट फॉर्म है GAV, या गांव बोल सकते हैं। यानी गांव में कैसे जाते हैं, कैसे जाते हैं गांव में, ये हम आपको सिखाएंगे। बच्चों गांव में जाने के लिए यानी घर की वैल्यू निकालने के लिए यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू अगर आप घर की निकालना चाहते हो तो कुछ नहीं करना। सबसे पहले कौन सी आई थी? सर पहले है ना म्युनिसिपल वैल्यू आई थी, अच्छा, और सर फेयर रेंट आया था, अच्छा, दोनों को उठा लो। उठा लिया सर। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? देखो देखो सर 80,000, ओके, और फेयर रेंट कितना है? 70,000, है ना। तो बच्चों हम तो चाहते हैं ना कि हमारे घर की वैल्यू कम आए, वैल्यू कम आएगी तो टैक्स भी कम लगेगा, ज़्यादा वैल्यू पे ज़्यादा टैक्स लगेगा। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि बेटा इन दोनों में से जो ज़्यादा वैल्यू होगी वो सेलेक्ट करेगी। तो इन दोनों में से ज़्यादा क्या है? 80,000, राइट। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा है उसको हमने सेलेक्ट किया, तो विच एवर इज मोर, इस बात को हमने शॉर्ट में बोल दिया, विच एवर इज मोर, राइट। हाँ सर, विच एवर इज मोर, दोनों में से जो ज़्यादा। वो रो रहा है, कौन? म्युनिसिपल वैल्यू ले ली, फेयर रेंट ले लिया, राइट, स्टैंडर्ड रेंट भी तो बताया था रेंट कंट्रोल एक्ट ने, उसकी तो सुनी नहीं, तो अब उसको लेंगे स्टैंडर्ड रेंट, तू भी आ जा। बच्चों स्टैंडर्ड रेंट देखो दे रखा है कि रेंट कंट्रोल एक्ट घर की वैल्यू बता रहा है, पहले मोर लेते हैं, इन दोनों में से बड़ा बड़ा बड़ा, उसने घर की वैल्यू बताई 74,000, ठीक है। अब इन दोनों में से लेते हैं छोटा, यानी छोटा, ठीक है, यहां पर था विच एवर इज मोर, यहां पर इन दोनों में से छोटा 74,000, ठीक है। इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, यानी आशातीत किराया, यानी जितना हम होप कर सकते हैं कि इतना किराया मिलेगा, एक्सपेक्टेड रेंट। इन दोनों में से क्या लिया? लेस लिया। यानी पहले बड़ा लेते हैं फिर छोटा लेते हैं, क्या रूल हुआ? सर बड़ा छोटा, बड़ा छोटा बड़ा, क्या बोले? बड़ा छोटा बड़ा, बड़ा छोटा बड़ा, दोबारा सुन लोगो, बड़ा छोटा बड़ा रूल हुआ, बड़ा छोटा बड़ा, ठीक है। अब इसको कंपेयर करेंगे रेंट से, कौन से रेंट से? एक और वैल्यू रह गई ना, एक्चुअल रेंट, जो हमको वास्तव में अपने घर से मिला है, जो वास्तव में रेंट हम अपने घर से कमा पा रहे हैं, ठीक है। तो 7,000 रुपये महीना, ऐसे कितने महीने? 12 महीने, ठीक है, तो 84,000। अब क्या लेंगे? पहले इन दोनों में से बड़ा लिया, फिर इन दोनों में से छोटा लिया, फिर अब इन दोनों में से वापस से बड़ा लेंगे, ये लो 84,000, इन दोनों में से बड़ा है। और ऐसे करते ही हमारे घर की वैल्यू आ गई और उसको कह रहेंगे गांव, गांव में ऐसे जानते हैं, और ये घर की ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई। तो आपको याद हुआ बड़ा छोटा बड़ा? सर याद हुआ, पहले म्युनिसिपल वैल्यू लेंगे और फेयर रेंट लेंगे, इन दोनों में से बड़ा लेंगे, ठीक है, फिर इसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, इन दोनों में से छोटा लेंगे, उसे एक्सपेक्टेड रेंट बोलेंगे,
फिर उससे रेंट एक्चुअल से कंपेयर करेंगे और इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसे लेंगे और उसे जीएवी बोलेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलेंगे। तो ऐसे करके घर की ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं, बड़ा छोटा बड़ा, बड़ा छोटा बड़ा, बड़ा छोटा बड़ा, बड़ा छोटा बड़ा, घर की वैल्यू आ गई और इसको बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये हमारे घर की वैल्यू आ गई। तो ऐसे करके घर की वैल्यू निकालते हैं। आप लोगों को याद नहीं हो रहा तो एक डायलॉग याद करो, मैं फिर से राजा, मैं फिर से राजा, मैं फिर से राजा, मैं आ जाऊं, कह रहा आ जा, चल आ जा। तो व्हाट इज द रूल, मैं फिर से राजा, मैं फिर से राजा, मैं फिर से राजा, एम म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और रेंट एक्चुअल। रेंट एक्चुअल दिखाना है तो ये लो, राजा रेंट एक्चुअल, रेंट एक्चुअल, म्युनिसिपल रेंट, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और रेंट एक्चुअल। देखो ना जरा, म्युनिसिपल और रेंट और फेयर रेंट में लेते हैं बड़ा, ठीक है, इन दोनों में बड़ा आ गया। फिर इस बड़े में और स्टैंडर्ड रेंट में लेते हैं छोटा, इन दोनों में छोटा आ गया। फिर छोटे और रेंट एक्चुअल में लेते हैं वापस से बड़ा, फिर से बड़ा आ गया। और ऐसे करके जो बड़ा आता है वही गांव कहलाता है, गांव कहलाता है। बस ये था कैलकुलेशन का तरीका और इससे घर की वैल्यू निकली है। पूरी बात नहीं बताई, अभी बच्चे को केवल ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना सिखाया है। थोड़ी देर में या नेक्स्ट क्लास में नेट एनुअल वैल्यू एनएवी भी आएगी, यानी गांव के बाद हम चलेंगे नाव में। अभी तो केवल गांव में आए हैं। तो गांव में कैसे आते हैं, मैं फिर से राजा, मैं फिर से राजा, मतलब मैं मतलब म्युनिसिपल वैल्यू, फिर मतलब फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू को फेयर रेंट से कंपेयर करो, बड़ा निकालो, फिर से स्टैंडर्ड रेंट लो छोटा निकालो, फिर राजा रेंट एक्चुअल लो फिर से बड़ा निकालो। ऐसे बड़ा छोटा कर बड़ा करके तुम गांव में पहुंच जाओगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू घर की आ जाएगी। तो बच्चों ये पूरी कहानी हमने आपको प्रदर्शित करी, आप इसे देख सकते हैं। जी हाँ, तो बच्चों मुद्दे की बात ये है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से आप इनकम निकालना चाहते हो पहले, तभी तो टैक्स लगाओगे। और इनकम निकालने के लिए पहले गांव में जाना पड़ता है, गांव में जाना पड़ता है, मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ती है, फिर नेट एनुअल वैल्यू और इनकम आ जाती है, वो बात की बात है। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू का डायलॉग क्या है, मैं फिर से राजा, मैं फिर से राजा, मतलब मैं मतलब म्युनिसिपल वैल्यू ले ले, फिर एफ आर फिर ले ले यानी फेयर रेंट ले ले, से मतलब स्टैंडर्ड रेंट ले ले, और राजा मतलब रेंट एक्चुअल ले ले। ऐसे करके हमारा डायलॉग था मैं फिर से राजा, जिसे मैं आपको वापस से दिखा देता हूं। मैं, ठीक है, मैं फिर राइट से राजा, मतलब म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एफ आर, फेयर रेंट, फिर और स्टैंडर्ड रेंट और रेंट एक्चुअल। बिल्कुल सही, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, इन दोनों में बड़ा छोटा बड़ा करेंगे, बड़ा लिया, फिर स्टैंडर्ड रेंट, फिर छोटा लिया, इन दोनों में। सर स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करने पर ही आ गया एक्सपेक्टेड रेंट। हाँ, इसका कोई नाम नहीं है, ये अब आ गया एक्सपेक्टेड रेंट। अब इसको रेंट एक्चुअल से कंपेयर करेंगे तो गाँव आएगा। सर आगे क्यों नहीं जा रहे, आगे इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि एक्चुअल रेंट क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, नहीं है, सही में नहीं है। देख लो, देखो क्वेश्चन कहाँ है एक्चुअल रेंट, छह घर है, टेबल देखो, स्टैंडर्ड रेंट है, म्युनिसिपल वैल्यू है और फेयर रेंट है, ठीक है ना। तो सर म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट और फेयर रेंट से तो एक्सपेक्टेड रेंट ही निकाल सकते हो। तो बच्चों ऊपर पहली लाइन में पढ़ो ना, क्या तो रहा है, डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। अरे एक्सपेक्टेड रेंट ही तो निकालने को कह रहा है। चलो सर कराओ, कराऊं। बच्चों कितने कर रहे हैं, छह, है ना। पहले म्युनिसिपल वैल्यू सबकी लिख लो, लिख लें सर, म्युनिसिपल वैल्यू बीच में दी हुई है। हाँ सेकेंड लाइन में सर 10,000, 24,000, हाँ गुड गुड, सबकी बोलो सर 10,000, 24,000, 20,000 और 21,000, और बोलो
सर 15,000। अच्छा और 20,000। अच्छा म्यूनसिपल वैल्यू को किससे कंपेयर करते हैं? मैं फिर फेयर रेंट से कंपेयर करो। सर फेयर रेंट ले लो सर 12, 25, 18, 20, 12, 25, 12, 25, 18, 20, 12, 25, 20, 12, 25। सर बीच के नहीं लिखे आपने, तो तुम भी तो कुछ करोगे, इसमें से लेस कर दूं? नहीं नहीं लेस नहीं करते, बड़ा छोटा खेलते हैं। बड़ा कौन है? सर 12,000। ओके ओके, इधर बड़ा कौन है? सर 25,000। इधर कौन करेगा? बच्चे करेंगे, बच्चे आ जाओ। एंड द सेम विल बी कंपेयर्ड विद, मैं फिर से मतलब स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर होगा। बड़ा हो गया, आपकी बार छोटा डिसीजन होगा, राइट? स्टैंडर्ड रेंट चाहिए हमको इस लाइन में। स्टैंडर्ड रेंट पहले वाले का दिया ही नहीं और आखिरी वाले का ले रहा हूं डायरेक्ट 24,000। क्वेश्चन में देखें आप, तो अब बच्चों खास बात, एक्सपेक्टेड रेंट इन दोनों में बड़ा निकाला था, अब इन दोनों में छोटा निकालेंगे। इन दोनों में छोटा 24,000 है, तो एक्सपेक्टेड रेंट 24,000 हो गया। बस क्वेश्चन में आपसे एक्सपेक्टेड रेंट ही पूछा है, तो हमने लिख दिया कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट, राइट है? यहां पर आप लिखेंगे 4,000, 5,000, ठीक है? अब जरा इसको देखो, स्टैंडर्ड रेंट कौन देता है? रेंट कंट्रोल एक्ट देखता है। मैंने रेंट कंट्रोल एक्ट से पूछा, भाई स्टैंडर्ड रेंट बता दे, तो वो कुछ बोल ही नहीं रहा, चुप। तो क्या मेरे घर की वैल्यू नहीं होगी? क्या म्यूनसिपल वैल्यू नहीं है? क्या फेयर रेंट नहीं है? इन्हीं के आधार पे कैलकुलेशन होगी? क्या मेरे घर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, टैक्स नहीं लगेगा खाली रेंट कंट्रोल एक्ट के चुप रहने से? उसको चुप रहने दो ना, घर की वैल्यू निकालने के लिए तो चार चार बादशाह हैं। एक बादशाह चुप है तो क्या फर्क पड़ता है? नॉट एप्लीकेबल हो गया 12 ही। तो बच्चों ऐसे करके आपको सारे एक्सपेक्टेड रेंट निकालने, ठीक है? 12, 25, 20, 15, 15, 24, क्या बोले आप? 12, 25, 20, 15, 15, 24, सारे एक्सपेक्टेड रेंट ये आएंगे, आप खुद कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन था जो यहां पर पूरा हुआ, यानी आज हमने आपको एक्सपेक्टेड रेंट के बाद में जीवी तक निकालना सिखा दिया, एक्चुअल रेंट भी सिखा दिया। कहानी खत्म। चलो हम मजेदार मजेदार दो चार बातें करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। जी हाँ, बहुत मजे आने वाले हैं। तो आप सुनो मेरी बात, इनकम टैक्स पढ़ी? हाँ इनकम टैक्स पढ़ी, इनकम पे टैक्स लगता है, इनकम पे टैक्स, इनकम टैक्स लगाने के 5 हेड होते हैं, बहुत प्यार से सुनना, बड़ा मजा आने वाला है। इनकम लगाने, इनकम पे टैक्स लगाने के, यानी इनकम टैक्स में पहले इनकम निकालते हैं, इनकम को कैलकुलेट करने के 5 हेड होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। हम बात कर रहे थे इनकम फ्रॉम सैलरी की, इनकम फ्रॉम सैलरी की, और फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। हाउस प्रॉपर्टी की बात में हमने चैप्टर ही हाउस प्रॉपर्टी उठा लिया। हाउस प्रॉपर्टी में दो बातें करी, हाउस होना चाहिए ऐसा वाला, हाउस होना चाहिए और प्रॉपर्टी भी अपनी होनी चाहिए, तो उससे जो इनकम हो यानी रेंटल इनकम हो उसको कहेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसके लिए पहले घर की ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं? मैं फिर से राजा, मैं मतलब म्युनिसिपल वैल्यू, फिर मतलब फेयर रेंट, दोनों में बड़ा लो, से मैं फिर से मतलब स्टैंडर्ड रेंट, अब दोनों में छोटा लो, एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा। राजा मतलब रा आर ए रेंट एक्चुअल लो, अब दोनों में फिर से बड़ा लो, बड़ा छोटा बड़ा, और ऐसे करके हम गांव में आ जाएंगे। आज हम गांव में आए हैं, कल हम नाव में भी बैठेंगे। आज का कहानी गांव तक, कल की कहानी थी नाव तक, राइट? आज की कहानी थी गांव तक, कल की कहानी थी नाव तक। और अब हम होमवर्क की बात करते हैं। होमवर्क है बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 4 बुक का, या तो यूं समझ लो या ये समझ लो कि जो क्लास वर्क है वो ही होमवर्क है। और अब मैं इस घर घर की कहानी को छोड़ के जा रहा हूं, मतलब मैं ये घर छोड़ रहा हूं, ठीक है? पर कहां रहूं तब तक? जब तक तुम्हार मन में दूसरा घर ना बना लूं, यानी हम हाउस प्रॉपर्टी में बहुत सारे घर बनाएंगे, है ना? कल हम दूसरा घर तुम्हारे दिमाग में बनाएंगे, तब तक हम कहाँ रहें? व्हाट्सअप कीजिएगा कहाँ रहें। बाय बाय, थैंक यू, क्लास ओवर।